चीन के घुसपैठी सैनिकों को जिन फौजियों ने पीटा वो जम्मू कश्मीर राइफल्स सिख और जाट रेजिमेंट के थे, लेकिन भारतीय सेना के पास एक ऐसी टीम है जो पहाड़ों पर युद्ध के लिए ही प्रशिक्षित हुई है। ये चीनियों को चीटी की तरह मसल करते हैं, उनसे लोहा ले सकते हैं। ये भारतीय फौज के माउंटेन वॉरियर्स हैं। ये जवान हैं भारतीय सेना के माउंटेन स्ट्राइक कोर से। इसे 17वीं कोर भी बुलाया जाता है, लेकिन प्यार से फौजी इसे ब्रह्मास्त्र कोर बुलाते हैं। ये साल 2013 से लगातार सक्रिय हैं। इनकी ट्रेनिंग बेहद कठिन होती है। माउंटेन स्ट्राइक कोर के जवानों को क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट, कोल्ड वेदर वॉरफेयर, कंबाइंड आर्म्स घुसपैठ रोधी अभियान, जंगल वॉरफेयर, जासूसी और शहरी वॉरफेयर में प्रशिक्षित होते हैं। माउंटेन स्ट्राइक कोर का मुख्यालय पश्चिम बंगाल के पन्नागढ़ में है। ये पूर्वी कमांड के अंदर आता है। माउंटेन स्ट्राइक कोर में फिलहाल 2 डिवीजन है, 23 इन्फैक्ट्री है। आपको बता दें कि यह रांची में स्थित है। दूसरी 59 इन्फैक्ट्री डिवीजन जो पन्नागढ़ में है, इसमें 6 ब्रिगेड्स हैं, 3 इन्फैक्ट्री के, 1 इंजीनियर एयर डिफेंस और आर्टिलरी ब्रिगेड है। इसी के साथ माउंटेन स्ट्राइक कोर का मैस्कट स्नो लियोपार्ड है, जो ताकत, बहादुरी और चालाक शिकारी होता है। माउंटेन कोर का मुख्य काम है अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश में चीनियों से सीमा की सुरक्षा, क्योंकि तिब्बत के साथ भारत की 4057 किलोमीटर लंबी सीमा है। इतनी लंबी सीमा पर सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित जवानों की जरूरत है। वो माउंटेन कोर से बेहतर कोई नहीं कर सकता। बेहद बर्फीली जगहों पर ये फौजी युद्ध करने में सक्षम होते हैं। ये अपने शरीर को माइनस तापमान के हिसाब से ढालते हैं। कमांडो जैसी ट्रेनिंग होती है। इनकी एक तेंदुए की तरह हमला करने वाले ताकतवर शिकारी हैं। ये स्नो कैमोप्लॉज पहनते हैं ताकि बर्फ में दिखाई ना पड़े।